यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की इस संधि में मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्थल आते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित धरोहर स्थल। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल इस प्रकार है। देवनागरी राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह उद्यान राजस्थान में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। पानी में पाए जाने वाले कुछ पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दुनिया में बाघों की सबसे अधिक घनत्व को समायोजित करते हुए 2006 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में भी घोषित किया गया। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानसी वन जीवन अभयारण्य ये भारत के असम राज्य में स्थित है, जिसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान बारहसिंगा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मानस नाम मानस देवी से लिया गया है। यह स्थान अपने शानदार प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण मौजूद है, जिसमें विविध जीव जंतु रहते हैं, जिस कारण ये सभी भारतीय जनजीव क्षेत्रों में से सबसे अधिक स्मृत है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसे 1988 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालय में सबसे बेहतरीन वन्य क्षेत्रों में से एक है। इस उद्यान में कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। यह उद्यान अनेक विलुप्त प्राय स्तनधारियों विशेष रूप से हिम तेंदु, हिमालय कस्तूरी मृग और भराल का निवास स्थल है। सुंदर बनिया सुंदरबन भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिसके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरबन पड़ा है। भारत के पश्चिम घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, इसे सन 2012 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हिमालय पर्वत से भी पुराना पश्चिमी घाट सह्याद्री रेंज के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के पश्चिमी भाग में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। ये करीब 5 राज्यों से चल रही सबसे लंबी श्रेणियों में से एक है। ये गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होता है, गोवा, कर्नाटक और केरला से गुजरता हुआ 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ तमिलनाडु में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह विश्व स्तर पर खतरे वाली 325 प्रजातियों के साथ वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक हॉटस्पॉट है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन, 800 प्रकार के पौधे और 180 से अधिक पक्षी प्रजातियों का वास है।
कंचनजंगा का शाब्दिक अर्थ है बर्फ के पांच खजाने, इसमें पांच चोटियां सम्मिलित है जिसमें प्रत्येक चोटी सोना चांदी जवाहरात अनाज एवं पवित्र पुस्तकों का दिव्य भंडार है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाला भारतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। कहते हैं इन गुफाओं के नीचे एक अन्य शहर भी बसा हुआ है, बेशक ये किसी को नजर नहीं आता, लेकिन किताबों के अनुसार यहाँ से जरूर दूसरी दुनिया का सफर शुरू होता है। आगरा का किला जो इतिहास में मुगल साम्राज्य का शाही किला हुआ करता था, यह आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस किले को अक्सर दीवारों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किलों के दो प्रमुख दरवाजों में से एक का नाम लाहौर गेट दिया गया था क्योंकि इस दरवाजे का मुख लाहौर की ओर था और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल साम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का रंग बदलता है, सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की पूरी जिले में स्थित है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का अभिप्राय किनारे से। संपूर्ण मंदिर स्थल को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों के खींचे जाते सूर्य देव के रूप के रथ में बनाया। महाबलीपुरम का स्मारक समूह मंदिर का शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर महाबलीपुरम के प्रारंभिक पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों में से एक है। महाबलीपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिणी सिर पर स्थित है। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ कहा जाता है। 5 में से 4 रथों को एकल चट्टानों पर उकेरा गया है। द्रौपदी और अर्जुन रथ वर्ग के आकार के हैं, जबकि भीम रथ राख्य आकार में है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है, इसमें द्रौपदी के 5 रथ बंधे हुए क्योंकि उसके 5 पति थे। जो स्वर्ण समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में उन्हें कैथोलिक धार्मिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है। भारत में सबसे छोटे राज्य होने के बावजूद इसके आगंतुकों का प्रस्तुत करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। गोवा की मुख्य महिमाओं में से एक इसके चर्च और
और मंदिर का शहर है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और हम्पी में बहुत से ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर दिखाई देते हैं। हम्पी भारत के उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। अपने समय में दुनिया का सबसे विशाल और समृद्ध गाँव में से एक था। 2014 की सांख्यिकी अखाड़ों के अनुसार हम्पी गूगल में खोजी जाने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध जगह है। खजुराहो मंदिर ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। इसे सन 1986 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से आया है, जिसका अर्थ खजूर फल है। पहले प्राचीन काल में खजुराहो समूह में कुल 85 मंदिर थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से मंदिर अब नष्ट हो चुके हैं। अब खजुराहो में केवल 22 हिंदू मंदिर ही बचे हुए। लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे तो खजूर वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। प्राचीन भारत की कथा पट्टदकल का उल्लेख किए बिना अधूरी है। पट्टदकल भारत के कर्नाटक राज्य में एक कस्बा है। पट्टदकल शहर उत्तरी कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिले में मल्लप्रभा नदी के तट पर बसा हुआ है। पट्टदकल में स्मारकों का समूह इस प्रकार है: गुरुपाक्ष मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, पल्लवनाथ मंदिर, जम्बूलिंगेश्वर मंदिर और जैन मंदिर। एलिफेंटा की गुफाएं भी अजंता और एलोरा की गुफाओं की तरह बहुत पुरानी हैं। ये गुफाएं मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। इन गुफाओं के दो समूह में पहले समूह में हिंदू गुफाएं और दूसरे समूह में बुद्ध गुफाएं। माना जाता है कि पांडव और भगवान शिव के भक्त मानसुर इन गुफाओं में रह चुके। इन गुफाओं पर बनी हाथियों की आकृति के कारण पुर्तगालियों के द्वारा इसका नाम एलिफेंटा रखा गया है। चोला राजवंश भारत का वो राजवंश जिनके राजा को सूर्यपुत्र कहा जाता है। चोला साम्राज्य के राजाओं ने महान जगह चोला मंदिर का निर्माण किया था, जो दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों के सभी हिस्सों में फैला था। विश्व धरोहर स्थल की सूची में 3 महान 11वीं व 12वीं शताब्दी के मंदिर है: बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम और इरावतेश्वर मंदिर दरासुरम में। जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है और भोपाल से उत्तर पूर्व से 46 किलोमीटर दूर है। सांची स्तूप के निर्माण कार्य का कारोबार अशोक मान की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान है और उनके और सम्राट अशोक महान के मकबरा भारत के दिल्ली में बना हुआ मुगल शासक हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया है। मकबरे की डिजाइन पर्शियन और भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाई गई है। 1569 से 70 में हुमायूं के बेटे अकबर ने इसे मान्यता दी थी। कुतुब मीनार लालकोट स्मारक के ऊपर स्थित बहुत ऊंची मीनार है। यह दिल्ली के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है।
मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई। राणाशप को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा जो ध्यान की मुद्रा में निसंदेह रूप से सबसे पहला बुद्ध मंदिर है जो पूरी तरह से ईंटों से बना है और वास्तविक रूप में अभी भी खड़ा है। भीमबेट का गुफाओं का संबंध महाभारत के वीर भीम से जुड़ा जाता है। माना जाता है कि ये गुफाएं भीम के आराम करने की जगह थी। यहाँ पर तकरीबन 600 गुफाएं परंतु पर्यटकों के लिए केवल 12 गुफाएं खोली गई। किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इसे किलाए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। लाल पत्थरों से बने होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इस पर दो स्तंभ है, एक पर शेर यूनाइटेड किंगडम का प्रतिनिधित्व दर्शाता है और दूसरे पर बाघ जो भारत का प्रतिनिधित्व दर्शाता है। जंतर मंतर को 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित सारी नींव को ठीक करने के उद्देश्य से बने जंतर मंतर में सूर्य चंद्रमा और ग्रहों की गतियों का पूर्वानुमान लगाने संबंधित 13 अनोखे अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरण है। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। एक सीढ़ी युक्त कुआं रानी की वाव एक जटिलता पूर्वक बनाई गई बावड़ी है जो भारत में गुजरात के पाटन गांव में स्थित है। यह बावड़ी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है।
भारत की सबसे प्राचीनतम और अद्भुत और सुंदर निर्मितियों और कलाकृतियों में से यह एक है। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये चंडीगढ़ में स्थित है। सन 2016 में विश्व दुर्लभ स्थल की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन यह पहला मौका है जब भारत के किसी शहर को विश्व विरासत घोषित किया गया। यूनेस्को ने अपने नोट में लिखा, इस शहर में आर्किटेक्ट के बेहतरीन उदाहरण है। उदाहरण के लिए किले की दीवारें और इसके गेट। यहाँ कई मस्जिद, मकबरे, हिंदू और जैन मंदिर भी है। यह शहर पिछले 60 सालों से गुजरात की राजधानी है। इस प्रकार भारत में अब तक 27 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक स्थलों और एक मिश्रित साइट के साथ विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित सहित कुल 36 साइटें हैं। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल